कभी भी ऐसा सोफा ना लेना, ये कोई साधारण सोफा नहीं है। लड़की बैठेगी तो ये खुश होगा, और अगर सिंगल लौंडा बैठेगा तो ये उसका गेम बजा देगा। लड़का सोफा खरीद कर घर ले आता है, बट रात को जैक की गर्लफ्रेंड जब शावर ले रही होती है तो सोफा उसे देख रहा होता है। उसे जैक की गर्लफ्रेंड से प्यार हो जाता है, और अगली सुबह जब वो उठती है तो उसके दरवाजे के सामने कैंडल से सोफा उसका वेलकम करता है और उसके लिए नाश्ता भी बनाता है। लेकिन वो समझती है ये सब जैक ने किया है। जैक भी कंफ्यूज था और उसने कुकीज उठा के खाया, लेकिन अगले ही पल सोफा सरक के थोड़ा सा दूर हो गया। जैक हैरान हो गया, लेकिन उसी रात सोफे ने मौका पा के जैक का काम तमाम कर दिया और वो बाहर उसकी गर्लफ्रेंड की तरफ घूरने लगा। लेकिन जैसे ही वो घर आई उसने देखा कि सोफा तो जैक को साइड लगा रहा है, और अब लीजा की बारी है। वो डरी हुई है। स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई, पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करो।